पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय आदिवासी दिनानिमित्त विकसित भारत संकल्प यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवला. आता ही यात्रा 2,70,000 ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचणार आहे अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची धोरणं आणि योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवता येतील. ज्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ झाला आहे ते आपला अनुभव सांगू शकतील. एकूणच सरकार आणि जनतेतला संपर्क अधिक दृढ करण्यासाठी ही यात्रा महत्वाची ठरेल असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के 68 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी, मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी. तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे, ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी.